खबर भरतपुर के हलेना से है, जहां एक बस चालक की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया। दरअसल चालक शराब के नशे में बस चला रहा था और इससे बस का संतुलन बिगड़ जाने से शराब के नशे में चालक चलती बस से ही कूदकर फरार हो गया और बस बिना चालक के ही हाईवे पर दौड़ती रही। बस चालक के कूदने के बाद सवारियों में चीख पुकार मच गई और इसके बाद बस एक बिजली पोल से टकरा गई। बस में करीब 50 से भी अधिक यात्री सवार थे, जिनमें एक दर्जन से अधिक यात्रियों को मामूली चोटें भी आई है। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और बस को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस अब बस चालक की तलाश कर रही है। इस बस की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गनीमत रही, इतने बड़े हादसे होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। इस बस में 50 से भी अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें दो दर्जन से भी ज्यादा यात्रियों को मामूली चोटें भी आई है। बता दें कि चालक शराब के नशे में धुत था और बार बार बस का संतुलन भी बिगड़ रहा था। इसी के चलते चालक चलती बस से कूदकर फरार हो गया और ये बस हाईवे पर बिना चालक के दौड़ती रही और उसके कुछ देर बाद ये बिजली पोल से टकरा कर एक जगह रुक गई। तब जाकर कहीं राहत की सांस आई, लेकिन बता दूं कि इस हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब चालक की तलाश कर रही है।